وايد صوت. مرحبا يا مرحبا يا كيف حالك؟ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों भीम गुप्ता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आप वीडियो जो है बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जो वीडियो लेके आने वाले हैं आपके लिए, खुद ही दो महीने से रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो टाइम हम आपको अभी इस समय जो वीडियो रिपेयर कर रहे हैं तो यानी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको अभी टाइम 10:30 यानी रात का 10:30 बज रहा है और दिन में समय नहीं मिलता है, तो इसीलिए आज 2-3 दिन भी हो गया वीडियो अभी अपलोड नहीं किया। और आप देख सकते हैं हमारे हाथ में भी पेंट लगा हुआ, अभी छूटा भी नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, वीडियो को पूरा से पूरा देखें और पूरा देखें तो आपको ज़रूर अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं, सब्सक्राइब करें भीम गुप्ता ब्लॉग चैनल को, बेल आइकन दबाएं मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये हमारा सिगाला और मटेरियल गिर चुका है जो पेंट करने के लिए, सामान है पूरा है हमारा। और ये रहा बिल्डिंग जो हमको पेंट करना है, ये दोनों बिल्डिंग जो दिख रहा है पूरा पेंट करना है। पुराना बहुत हो गया है, मुमकिन 20 साल पुराना हो गया है ये पेंट का, तो सऊदी ने इसको थोड़ा नया करने के लिए किया है। और ये देख रहे हैं आप जो हाउस, अभी इसमें पेंट नहीं होगा लेकिन देखिए कितना ज़बरदस्त बाउंड्री लुक किया है। ये जो पुराना बिल्डिंग है दिख रहा है उसी हिसाब से इस पेंट बिल्डिंग में पेंट करना है। और चलिए अभी दिखाते हैं आपको किस तरह से हम लोग पेंट कर रहे हैं और किस हिसाब से यहाँ पे सऊदी में काम होता है, तो बने रहिए चैनल पे। आप देख रहे हैं ये अभी आदमी लोग काम कर रहे हैं ऊपर चढ़ के, और ये सिगाला जो नीचे पड़ा हुआ था तो ये सिगाला अभी हम लोग ऊपर सेट कर दिए हैं और ऊपर लकड़ी भी पड़ा हुआ है उसी पे। अभी देखिए इस तरफ जो मशीन से काम हो रहा है और दूसरी तरफ रोला से भी आदमी काम कर रहे हैं और नीचे भी आदमी लगा हुआ है सामान देने के लिए। और ये हमारे बिल्डिंग का दूसरा साइड है जो बैक साइड में यानी पीछे इस तरफ है, और यहाँ पे जब हमारा दूसरा साइड काम ख़त्म हो गया तो इसी वजह से हम लोग इधर अभी शिफ्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे आदमी लगे हुए हैं और ये सिगाला थोड़ा वजन हो जाता है, क्योंकि इसमें जब एक दूसरे पे के ऊपर लग जाता है सिगाला तो बहुत वजन पकड़ता है, तो किसी तरह से इधर से उधर करने में थोड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। क्या करें, बाहर का काम है थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा और बाहर आया तो अब देखिए थोड़ा ये साइड में देख रहे हैं ये काम यहाँ पे ख़त्म हुआ तो उधर से सिकाला हम लोग उठा के इस साइड में शिफ्ट किए हैं। और देखिए अभी पेंट स्टार्ट है, तो चलिए देखते हैं पेंट होने के बाद किस तरह से दिखता है बिल्डिंग। और आप देख रहे हैं, और चलिए देखते हैं। और भी ये हमारे पेंटर लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ पे कहीं कहीं पे छूट जाता है ना तो छोटा रोला और ब्रश से काम यानी टचिंग हो जाता है, क्योंकि बड़ा रोला हर जगह पे नहीं आता है। यहाँ पे ज़्यादातर पेंट रोले से ही काम होता है और रोला मशीन, तो इसे दोनों का इस्तेमाल होता है। अभी देखिए हमारे पेंटर लगे हुए हैं ऊपर और मशीन से मार रहे हैं, और जो पाइप होता है, जो पाइप लगा हुआ रहे तो उसमें रोला और ब्रश बहुत कम ही जाता है, तो मशीन से मारने पे हवा के प्रेशर से अंदर तक पूरा पहुंच जाता है तो थोड़ा काम भी अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए मशीन का भी इस्तेमाल होता है साइड पे। ये दूसरा बिल्डिंग में अभी हमारा पेंट चल रहा है, अभी वो पुराना और पहले जो बिल्डिंग में कर रहे थे तो ये तो काम ख़त्म हो गया, अभी ये दूसरे बिल्डिंग में हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं पेंट। तो इसमें से थोड़ा कलर भी डिफरेंट है, क्योंकि जो पहले का जो कलर हुआ था जिस बिल्डिंग में तो थोड़ा कलर बहुत लाइट हो गया था, और जो कलर बनाया था ज्योतन कंपनी ने तो कंपनी ने सही कलर नहीं बना के दिया, तो सऊदी को पसंद नहीं आया इसीलिए इस बिल्डिंग में वो कलर थोड़ा अलग किया है। आप देख सकते हैं इसी बिल्डिंग में और उस बिल्डिंग का कलर डिफरेंट दिख रहा है, तो इसी वजह से इस बिल्डिंग में थोड़ा कलर अलग कर रहे हैं और अच्छा भी दिख रहा है। और पुराना वाला बिल्डिंग के हिसाब से करना था लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया कलर, इसी वजह से सऊदी में आके इंसान बंदर भी बन जाता है। देखिए कितनी फास्ट चढ़ रहा है आदमी और उतर भी रहा है, और थोड़ा गड़बड़ किया था काम इसी वजह से उसको चढ़ना उतरना पड़ रहा है। अभी पेंट हो गया है हमारा पूरा कंप्लीट, आप देख सकते हैं बिल्डिंग कैसा कितना सुंदर दिख रहा है। और ये बैक साइड जो आपको भले बताया था, तो अभी ये बैक साइड देखिए कलर हो गया और वो दूसरा
पुराना वाला बिल्डिंग है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग के हिसाब से करना था कलर, और ये सऊदी के भाई का घर है, तो सऊदी ने सोचा सेम अगर हो जाएगा तो एक जैसा घर लगेगा, लेकिन थोड़ा जोतन कंपनी का जो कलर गलत यानी मिला मिक्स किया था वो गड़बड़ कर दिया था, तो अभी पेंट आ गया था तो किसी तरह से पेंट तो करना ही पड़ा, तो इसीलिए अभी दूसरा जो बिल्डिंग में हुआ था आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त उसका यानी थोड़ा अच्छा लुक दिख रहा है, क्योंकि वाइट है पूरा बिल्डिंग और उसके साथ में थोड़ा डार्कनेस अच्छा लगता है, और वो भी थोड़ा कलर जो पसंद किया बहुत ज़बरदस्त है और अच्छा खासा दिख रहा है, क्योंकि अगर कहीं यहीं कोई काला या लाल या बाकी भी कलर होता तो अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों आप देख रहे हैं ये बाउंड्री जो लगा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादातर सऊदी इस हिसाब से बाउंड्री लगाते हैं हर घर में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आदमी बाहर से अंदर नहीं देख सकता या अंदर से बाहर नहीं देख सकता, और यहाँ पे घुसने के लिए जब तक सऊदी का परमिशन ना हो आप अंदर नहीं आ सकते। तो देखिए कितनी बड़ी बाउंड्री लगी हुई है, और यहाँ पे इसी हिसाब से लोग घर को बनाते हैं और चारों तरफ बाउंड्री मार देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे सऊदी घर के बगल में ही देखिए यहाँ पे बगीचा लगाया हुआ है, इसमें हर तरह का फल वाला पौधा है और बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे लोग थोड़ा जितना खाने के नहीं लगाते हैं उसकी से ज़्यादा ये लोग शौक के लिए लगाते हैं, और इसमें जो फ्रूट निकलता है बहुत कम ही खाते हैं सऊदी लोग। और ये देखिए खजूर का पेड़ अभी इसमें फल यानी फर लगा हुआ है छोटा छोटा, बहुत छोटा साइज है, तो अब देखिए ये खजूर है और शायद कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पीछे खजूर का पेड़ और इसमें खजूर भी आ गया है, आप देख रहे इसमें अभी खजूर भी लग गया है, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा तैयार होने के लिए, तो अभी नया नया फसल तैयार हुआ है, और यहाँ पे ज़्यादातर इनकी खजूर की खेती होती है, और यहाँ पे ये देखिए पूरा अपना गाँव में जैसा बागीचा होता है वैसा बगीचा लगा कर रखे हैं, इसमें हर तरह का फ्रूट का पेड़ है, और यहाँ पे इतना मैंगो फरता है और आम का पेड़ होता है इतना ज़्यादा फरता है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं अभी से इतने बड़े बड़े आम हो चुके हैं, और ये देखें अभी से इतने बड़े बड़े आम हो गए हैं पौधे में। और दोस्तों सऊदी का इतना बड़ा घर है और इसी घर के अंदर ये बाउंड्री के अंदर इसने ये पूरा बागीचा लगा के रखा है, और आप देख सकते हैं कि इस पे है ये खजूर का पेड़। अब यहाँ पे तो ये सब पॉपुलर ही है, क्योंकि यहाँ पे चाहे कुछ हो या ना हो लेकिन खजूर का पेड़ ज़रूर लगता है, और यहाँ पे देखें ये अंगूर का लगा हुआ है पूरा झाड़, आप देख सकते हैं अभी इसमें कुछ दिन में ये भी अंगूर भी आ जाएगा। दोस्तों सऊदी ने देखिए कितना ज़बरदस्त आम का पौधा लगाया और ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें आम भी बहुत ज़्यादा आ गया है, और आम जानते हैं किसके लिए हैं, ये आपके लिए हैं, और दोस्तों आपको आम खाना है तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आम पका नहीं हुआ है तो पकने के लिए इंतज़ार भी करना पड़ेगा, तो तब तक हमको भी सपोर्ट कर लें, थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।